नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया बांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चलिए बात कर ली जाए कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो परिणीति की। गाइस, सीरियल परिणीति के आगे आने वाले ट्रैक में आप लोग देखने वाले हैं बहुत ही बड़ा खुलासा, वो भी पम्मी के सामने। क्या होने वाला है ना कि यहाँ पर अब नीति को पार्वती पर और अपने आसपास के लोगों पर शक होने वाला है, क्योंकि गुरविंदर भी अब बाजी पलट रही है। ऐसे में नीति को घबराहट हो रही है कि कहीं मेरा राज ना खुल जाए, कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं, कहीं मैं अपने संजू को ना खो दूं। बहुत कुछ चल रहा है नीति के दिलो दिमाग में। और ऐसे में कल्याणी के पास पहुंची है नीति ये पूछने के लिए कि क्या उसकी संजू से शादी वाकई नहीं होगी, क्या वो जानती है पास्ट में क्या हुआ था, क्योंकि वो फ्यूचर भी बता सकती है। तो ऐसे में नीति का डर उन्हें वहां तक लेकर जाता है जहां कल्याणी है। और कल्याणी के पास जैसे ही नीति पहुंचती है, वहां जाकर कल्याणी से अपने फ्यूचर के बारे में पूछती है, जहां पर कल्याणी साफ कहती है कि तुझे तेरे किए की सजा देने के लिए वो वापस आ गई है। अब वो वापस आ गई है का क्या मतलब है नीति जानना चाहती है। और यहाँ पर नीति का पीछा करते हुए पम्मी भी उस जगह पर पहुंची है, और अब पम्मी छुप कर कल्याणी की और नीति की सारी बातें सुन रही है, जहां पर नीति बताती है कि क्या परी वापस आ गई है, मैंने तो उसे पहाड़ियों से धक्का देकर मार दिया था, वो वापस कैसे आ सकती है, वो तो मर चुकी है। तब यहाँ पर कल्याणी कहती है कि नहीं, परी जिंदा है और वो तुझसे बदला लेने आई है, और वो तेरी जिंदगी तेरी जिंदगी को जो है बर्बाद कर देगी, और संजू को कभी तेरा नहीं होने देगी, क्योंकि वो कभी तेरा था ही नहीं। तमाम तरीके की बातें यहाँ पर हो रही होगी और पम्मी सारा राज जान जाएगी। अब इसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि क्या पम्मी संजू तक ये सच्चाई बता पाएगी, या फिर नीति रास्ते से ही पम्मी को गायब कर देगी। क्या कहना है आपका इस अपडेट को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा।